गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फोर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। देखिए बच्चों, इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम तक कर चुके थे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है देखिए ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी यानी क्रम गुण कौन सा है देखिए, ऑन मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन अदर ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। हम जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जैसे देखिए थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, तो टू राइट साइड में है, थ्री लेफ्ट साइड में है, और इनका मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट कितना आता है, सिक्स। अब मैं टू को लेफ्ट साइड में रखता हूं और थ्री को राइट साइड में रखता हूं तो भी कितना आएगा, सिक्स। दोनों को कैसे ही चेंज कर लीजिए, प्रोडक्ट सेम ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ए को लेफ्ट साइड में रखा जाए और बी को राइट साइड में रखा जाए तो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, अगर बी को लेफ्ट में रखा जाए और ए को राइट साइड में रखा जाए तो इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या है ये, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि उनका अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो उनके प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट देखिए ग्रुपिंग प्रॉपर्टी यानी इनकी ग्रुपिंग की जाए तो क्या होगा। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स रिमेन द सेम इवन व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स इज चेंज। अगर उनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी जाए तो भी उनका प्रोडक्ट सेम रहता है। देखिए कैसे, पहले मैंने टू और थ्री का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का ग्रुप बनाया और फिर इसको फोर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 24। क्योंकि टू थ्री आर सिक्स और फिर फोर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 24। इसी तरीके से अगर मैं इनकी ग्रुपिंग चेंज कर देता हूं, यानी अब मैं फोर और थ्री की ग्रुपिंग कर देता हूं, थ्री और फोर, तो भी कितना आएगा, 24। क्योंकि टू मल्टीप्लाई बाई इन मल्टीप्लाई 12 24। तो देखिए हमने इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी, हमने इनकी ग्रुपिंग चेंज किया, पहले तो टू और थ्री का ग्रुप था, फिर थ्री और फोर का ग्रुप कर दिया। तो ग्रुप चेंज करने पर भी प्रोडक्ट यानी इनका जो आंसर है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसकी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर ये ए और ये बी है और ये सी है तो ए और बी का अगर पहले ग्रुप बना दिया जाए और उसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बराबर होगा किसके, बी और सी का ग्रुप बनाकर ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसके बराबर होगा। तो ये हमारी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। देखिए यहां ग्रुपिंग चेंज हो रही है लेकिन फिर भी दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आगे देखिए मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ वन।
यानी कि ए द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड वन इज द नंबर एक्सेल्फ। अगर किसी नंबर को उनसे मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका प्रोडक्ट वही नंबर आता है जिससे हम वन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे वन है, इससे मैंने फाइव को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया फाइव। वन से मैंने हंड्रेड को मल्टीप्लाई किया तो भी कितना आएगा हंड्रेड। वही नंबर जिसको हम वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट में वही नंबर आएगा। अगर वन से आप 5348 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा जिसको आप वन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी 5348। इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी क्या बनी, अगर कोई नंबर ए है और उसको वन से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर आता है, तो वही नंबर आता है यानी ए ही आएगा। और ये हमारी क्या हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज जीरो। किसी भी नंबर को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। देखिए जीरो को आप फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी जीरो आएगा, जीरो से आप हंड्रेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो ही आएगा, और जीरो से आप 5348 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा जीरो ही आएगा। जीरो से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है जीरो आता है। हमारी प्रॉपर्टी क्या बनेगी, कोई भी नंबर, जैसे कोई नंबर ए है और उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा जीरो आएगा। अब ये हमारी कौन सी है फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये कौन सी है फोर्थ प्रॉपर्टी है। देखिए इन प्रॉपर्टीज के बेस पर हम एच एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। देखिए एच एक्टिविटी आती है फिलिंग द ब्लैंक्स सूटेबली, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। यहां पर मैंने फोर क्वेश्चन लिए, देखिए फर्स्ट है ए 25 इंटू फिलिंग द ब्लैंक्स इक्वल टू 37 इंटू फिलिंग ब्लैंक्स। 25 को मैंने माना ए और जो फिलिंग द ब्लैंक्स होगा वो क्या होगा बी। अब देखिए ए और बी का मल्टीप्लीकेशन है और हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए और बी की अगर जगह चेंज कर दी जाए, यानी ए को बी की जगह रख दे और बी को ए की जगह रख दे तो क्या होगा दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, यानी ए इंटू बी बराबर है बी इंटू ए, तो दोनों कैसे रहेंगे सेम। यहां पर देखिए ए हमने किसको माना था 25 को माना है, तो यहां पर ए किसका क्या जाएगा 25 आ जाएगा। ए कितना माना है 25, तो ए की जगह हम क्या रखेंगे 25 को। यहां पर देखिए बी की जगह क्या आ रहा है 37 आ रहा है, तो यहां पर बी की जगह क्या जाएगा 37। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको पता है हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी कि किसी भी नंबर को जब हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है वही नंबर आता है। तो यहाँ पर देखिए 288 है और प्रोडक्ट भी 288 आ रहा है, इसका मतलब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है वन से। इसी तरीके से देखिए 1529 मल्टीप्लाई बाय जीरो कितना आएगा जीरो, क्योंकि हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है किसी भी नंबर को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा जीरो, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है किसी भी नंबर को जब आप वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है देखिए कि ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है, ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां आपने एक को माना है
सेवन को माना बी और फोर को माना सी। देखिए ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये किसके बराबर होगा? ए मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई सी। तो यहां पर देखिए ए किसको माना है हमने? एट को। तो यहां पर भी क्या है? ए एट ही है। बी किसको माना है हमने? सेवन को माना है। सी किसको माना है? फोर को। तो यहां पर देखिए ये सी फोर आ रहा है और बी की जगह क्या आ जाएगा? सेवन। क्या आ जाएगा? सेवन। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फिलिपा लेंस आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, आपको हर बार क्या प्रॉपर्टी लिखनी है, ऐसे प्रॉपर्टी लिख के उसको बताना है। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100 और 1000। देखिए मल्टीप्लीकेशन बाय 10s, 100s एंड 1000s मेंटल मैथ आती है आपकी, जिसके आई एक्टिविटी है मल्टीप्लाई। अब इसमें देखिए अगर 1000 से या 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे हम? यहां पर 40 एंड 50 का मल्टीप्लीकेशन है, तो सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए जीरो का इससे मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो जीरो ही आएगा, और जीरो का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो ही आएगा। वंस का मल्टीप्लाई हो गया, अब टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फाइव का जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? जीरो। और 5 4s कितने होंगे? 20। इन सब को आप ऐड कर दीजिए। देखिए जीरो एज इट इज, जीरो और जीरो को ऐड करेंगे तो भी जीरो ही आएगा, ये जीरो एज इट इज और ये 2 एज इट इज, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया? 2000 आ गया। लेकिन हम इसको इसी तरीके से कैसे करेंगे? देखिए 40 × 50 है, तो आपने देखा 40 में 10 है, 50 में भी 10 है, 1 और 1 कितने 0 हो गए? 20 हो गए। जितनी हम जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। 40 में 10 है और 50 में 10 है, 1 और 2 कितने हो गए? 20s। तो मैंने 20 लिखा। देखिए मैंने 0 और 0 का दोनों को ऐड करके मैंने यहां लिख दिया, टोटल 0 यहां लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास नंबर कितना बच गया? 4 और 5। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी है, 4 5s are 20 या 5 4s are 20, जो भी मल्टीप्लीकेशन आता है उसको आप इन दोनों से उसके आगे लिख दीजिए या लेफ्ट साइड करके लिख दीजिए। कितना आया? 2000, यानी 40 और 50 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया? 2000 आ गया। ये एक छोटा तरीका है, शॉर्ट तरीका है। इसी तरीके से हम देखिए इसको करते हैं, यहां पर देखेंगे जीरो कितनी है? 3 है, तो सबसे पहले हमने 30 लिख दी। अब हमारे पास क्या बच गया? 30 लिखने के बाद क्या बच गया? 4 और 1। क्या बच गया यहां पर? 4 और 1। आपको पता है किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? वही नंबर आता है। तो हम यहां पर लिखेंगे 4 1s are 4 और 30 हम पहले कर चुके हैं। यहां पर देखेंगे हम 10 में देखिए 10 यहां पर है और यहां 750 में भी 10 है। 1 और 1 कितनी 0 हो गई? 20 हो गई। अब हमारे पास क्या बच गया? 75 बच गया इसमें से, तो और इसमें से 1 बच गया। किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वही नंबर आता है। तो आप क्या लिखेंगे? वही नंबर लिखेंगे = 75। तो इस 75 को हम यहां पर, तो अब कितना आ रहा है मल्टीप्लीकेशन? कितना आ जाएगा? 7500। इसी तरीके से देखिए 20 है और यहां पर 10 है, टोटल कितनी 0 हो गई? 30।
यहां से 20 हमने यहां शिफ्ट कर दी, यहां से 10 शिफ्ट कर दी, और यहां पर क्या बच गया 1, और यहां पर भी क्या बच गया 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, कितना आएगा 1, और यहां हमने 1 लिखा, तो ये इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया 1000। इस तरीके से हम इसको करेंगे, बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे। एक जे एक्टिविटी को देखते हैं, देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी अभी देखिए, जे मल्टीप्लाई इंटर नॉर्मल। तो इसमें पहले वाली एक्टिविटी की तरह ही क्वेश्चन है, यानी आई एक्टिविटी की तरह ही क्वेश्चन है। 12 का मल्टीप्लीकेशन है 600 से, तो सबसे पहले देखेंगे हम नंबर ऑफ जीरोस लिखी है 2, ये 2 जीरोस मैंने पहले लिखी। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, एक तो 6 बच गया और एक 12 बच गया। अब 12 का टेबल 6 टाइम जब आप खोलेंगे तो कितना आएगा 72। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 6 टू 12, 1 कैरी जाएगा, 6 वन 6 और 1 7, 72 को हम यहां पर आगे रखेंगे। ये इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सबसे पहले 2 जीरो, फिर हमारे पास क्या बच गया 17 मल्टीप्लाई बाई 5, ये बच गया 17 का जब आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यस 17 का 5 टाइम्स टेबल बोलेंगे तो कितना आएगा 85। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप देखिए 5 7 35, 3 कैरी आ जाएगा, 5 1 5 और 3 8, ये 85 हम यहां देंगे। तो इस तरीके से देखिए 12 × 600 कितना जाएगा 7200, और 17 × 500 कितना जाएगा 8500। इस तरीके से हम बाकी की क्वेश्चन भी करेंगे। इसके लिए आप आपके बुक में जे एक्टिविटी के नीचे 11 to 20 टेबल दी हुई है, 11 to 20 क्या दी हुई है, टेबल दी हुई है। इन टेबल्स को आप लर्न कीजिए, इन टेबल्स की आप हेल्प से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इन टेबल्स को आप लर्न कीजिए, और कम से कम इन टेबल्स को, हर एक टेबल को आप कम से कम 6 से 7 बार लर्न कीजिए, 6 से 7 बार लर्न कीजिए, 6 to 7 टाइम्स इनको लर्न कीजिए, तब कि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। इन टेबल्स के बेस पर देखिए एक्टिविटी के है, देखिए के एक्टिविटी में मल्टीप्लाई यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल जो आपको पेज नंबर 70 पर टेबल दी हुई है, 11 to 20 टेबल दी हुई है, कौन से पेज पर, पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 पर आपको 11 to 20 टेबल दी हुई है, उनकी हेल्प से आपको ये करना है। जैसे 13 की टेबल में आप देखेंगे 13 का जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 52, 13 का जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 की टेबल में आप देखेंगे जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 91, 12 का जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 के टेबल में आप देखेंगे 12 का 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 72, और 12 का जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 12 के टेबल में देखेंगे कितना आएगा 96। तो इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे, इन टेबल्स की हेल्प से करेंगे, और इन टेबल्स को मैं फिर दोबारा से कहता हूं कि आप 7 से 8 बार इनको लर्न कीजिए, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए और आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट शीट है हमारी, देखिए रिवीजन वर्कशीट, देखिए रिवीजन वर्कशीट, रिवीजन वर्कशीट में ज्यादातर वही क्वेश्चन है जो आप चैप्टर में कर चुके हैं,
फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, इसका जो ए क्वेश्चन है वो आपकी मल्टीप्लीकेशन की थर्ड प्रॉपर्टी पर यानी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन उस पर आधारित है, यानी कि किसी भी नंबर को जब हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। यहां पर देखिए मल्टीप्लाई में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन इससे जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है यानी 2399 को मल्टीप्लाई किया है तो वही नंबर प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है, यानी 2399 प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, वन यानी कि ए इंटू वन इक्वल टू ए, इसलिए 2399 इंटू वन कितना आएगा 2399। अब यहां पर देखिए अभी हमने टेंस हंड्रेड और थाउजेंड्स का मल्टीप्लीकेशन किया था, तो यहां पर हम देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ जीरो देखिए वन टू कितनी हो गई टू, और एट का टेबल जब आप नाइन्थ टाइम बोलेंगे या नौ बार बोलेंगे तो हमारे पास देखिए क्या बचा है एट और नाइन, एट इंटू नाइन बच गया, एट का टेबल जब आप नाइन टाइम्स बोलेंगे तो कितना आएगा 7200 ये हमारा मल्टीप्लीकेशन आ गया। इसी तरीके से देखिए यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितनी है 1 2 3 1 2 3, अब हमारे पास क्या बच गया 6 और 1, यहां से हमने 1 0 ले ली, यहां से 2 0 ले ली, बच क्या गया 6 बच गया और 1 बच गया, 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है वही नंबर आता है, मल्टीप्लीकेशन कितना जाएगा 6000। यहां पर देखेंगे देखिए नंबर ऑफ जीरो कितनी है 1 1 0 हमने एज इट इज लिख दी, यहां पर हमारे के पास ये बच गया 17 इंटू 6। जब आप 17 की टेबल को देखेंगे तो 17 की टेबल में 17 इंटू 6 जब आप देखेंगे तो कितना पाएंगे 102। 17 मल्टीप्लाई बाय 6 या 17 6 102 ये हम यहां लिख देंगे तो 1020 हमारा इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखिए मल्टीप्लाई 345 का मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 का मल्टीप्लाई करते देखिए सबसे पहले 6 का टेबल हम 5 टाइम्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 6 5 कितने हो गए 30, 6 5 कितने हो गए 30। तो 30 में देखिए 0 वन्स की पोजीशन पर है और 3 टेंस की पोजीशन पर है, या आप ये कह सकते हैं 0 राइट साइड में है और 3 लेफ्ट साइड में है। जो राइट साइड में है उसको हम यहां लिखेंगे, लेफ्ट साइड में है वो नेक्स्ट कॉलम में क्या बन जाएगा कैरी, या वंस की पोजीशन वाला हमने वंस की पोजीशन पे लिखा है और टेंस की पोजीशन वाला हमने क्या कर दिया टेंस की पोजीशन पे ले जाके कैरी कर दिया। अब देखिए 6 का टेबल कहां पर बोलेंगे हम 4 टाइम्स 1 2 3 4, 6 4 24 24 प्लस 3 आएगा 4 और 3 7 और 2 as it is 27 27। अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई किया है तो हम इसकी जो राइट साइड की डिजिट है उसको 10 के कॉलम में लिखेंगे और लेफ्ट साइड की डिजिट है ये क्या बन जाएगी कैरी, इसको हम 100 के कॉलम में लिखेंगे। अब 6 का मल्टीप्लाई किया 3 से यानी 6 का टेबल 3 टाइम बोलेंगे हम 1 2 3 कितना आया 18 टू पहले से ही था प्लस 2 कितना आएगा 20 का हमने 0 लिखा यहां पर और 2 को हम कैरी बना कर ले जाएंगे, लेकिन आगे कोई भी नंबर नहीं है, 3 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 2 एज इट इज लिख दिया जाएगा, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 2070। इसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसको आप दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
सकते हो, एक तो हम पहले 9 का मल्टीप्लाई करें फिर 1 का मल्टीप्लाई करें, इस तरीके से कर सकते हैं आप, या सीधा ही 19 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको शॉर्ट मेथड से नहीं, इसको इजी मेथड से कर लेते हैं। पहले 9 का मल्टीप्लाई करते हैं फिर 1। तो सबसे पहले हम 9 का मल्टीप्लाई करते, देखिए 9 5 45, 45 का हमने 5 लिखा और 4 का गया कैरी। 9 6 देखिए 1 2 3 4 5 6, 9 6 54 और कैरी का क्या था 4, 54 और 4 58, 58 में हमने 8 लिखा और 5 का आ जाएगा नेक्स्ट कॉलम में कैरी। 9 4 36, देखिए 1 2 3 4, 9 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36 और कैरी कितना है 5, ये हो जाएगा 41 का हमने मान लिखा और 4 हम नेक्स्ट कॉलम में कैरी ले जाएंगे, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। ये हमारा वंस का मल्टीप्लाई हो गया है। तो अब हम कहां से शुरू करेंगे, 10 से शुरू करेंगे। देखिए 10 से शुरू करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 टेंस की पोजीशन पर है तो अब हम 10 से शुरू करते हैं। 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, वही नंबर आता है। 1 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा, 1 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा और 1 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा। और अब आप इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 5 एज इट इज, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 का हम 3 लिखेंगे और 1 का आ जाएगा कैरी, कैरी आ जाएगा 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 4 और 4 8, कितना आ गया 8835। जब आप डायरेक्ट 19 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 19 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो भी कितना आएगा 8835। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने 19 का टेबल लिखा है। अब 19 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 19 का 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी 19 का टेबल 5 टाइम हो गया, 1 2 3 4 5, 95 का हमने क्या लिखा 5 लिखा और 9 कैरी चला गया, 9 कैरी आ जाएगा 5 लिखा, 9 कैरी आ जाएगा 19 6 114, 19 का जब आप 6 टाइम टेबल बोलेंगे तो कितना आएगा 114 और 9 इसमें क्या है कैरी है तो ये कितना आ जाएगा 123 का हम 3 लिखेंगे और 12 कहा जाएगा नेक्स्ट कॉलम में कैरी। सिर्फ हमने 3 लिखा और 12 क्या बन जाएगा कैरी। अब 19 का टेबल 4 टाइम बोलेंगे, 19 4, 1 2 3 4, 19 4 76 और 12 कैरी का यहाँ पे इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 88 और ये 88 हमने ऐसे कर दिया। तो देखिए 19 से डायरेक्ट आप कर रहे हैं तो भी वही आ रहा है और 1 और 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी वही आ रहा है। इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे। जो 2 वर्ड प्रॉब्लम है ये आपको मैं करा चुका हूं और ये जो वर्ड प्रॉब्लम है आपके पेज नंबर 67 पर ये दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एफ एक्टिविटी का दिया हुआ है और एक जी एक्टिविटी का दिया हुआ है। एफ एक्टिविटी का एक तो एफ एक्टिविटी का क्वेश्चन है और एक जी एक्टिविटी का क्वेश्चन है। एफ एक्टिविटी का सी क्वेश्चन है और जी एक्टिविटी का डी क्वेश्चन है। ये आपको पेज नंबर 67 पर दिए हुए आप इसको देखकर ऐप लेकर कर सकते हैं। ये आपकी रिवीजन वर्कशीट पूरी होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मेंटल मैथ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पीएसए कंप्लीट करेंगे।
तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपको ये क्वेश्चन इजी फील होंगे। और 11 टू 20 टेबल्स 7 टू 8 टाइम्स, 7 से 8 बार जरूर याद करें और रोजाना याद करें, ताकि आपको ये टेबल अच्छे से याद हो जाए और आपको कभी भी मैथ में मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू।